गांधी जी की पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मनाई गई। भदोही में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि बृहस्पतिवार को सपा जनों ने शहादत दिवस के रूप में मनाई। इंदिरा मिल चौराहा स्थित गांधी जी की प्रतिमा का सपा कार्यकर्ताओं ने पहले साफ सफाई कर प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर गांधी जी को याद किया। पूर्व विधायक जाहिद बेग ने कहा कि गांधी जी की शहादत को लोग आज तक नहीं भुला पाए हैं। गांधी सभी धर्म व मजहब को एक समान देखते थे। उन्होंने पहला आंदोलन नमक सत्याग्रह इसी बिहार की धरती से शुरू किया था। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनका सत्य और अहिंसा का पाठ हम भारतीयों को याद है। उन्होंने कहा कि आज हम सभी को सत्य व अहिंसा की राह पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। आज भी महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की कल्पना पूरी तरह नहीं हो पाई है। सपा जन सदा उनके बताए रास्ते पर चलने को कृत संकल्प है। गांधी जी का सपना था कि गांवों में बसने वाले किसान व मजदूर पूरी तरह से तरक्की ही देश की मजबूती का मंत्र है। शहादत दिवस है। गांधी जी को आज के दिन शहीद किया गया था। जो गांधी जी ने गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी लड़ाई लड़ी गई थी और उसके बाद एक संविधान बना बाबा भीमराव अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे और उस संविधान को आज खतरे में डाला जा रहा है। हिंदुस्तान धर्म निषेध देश है। हमारा देश 6 पिलरों का देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध और जो भी मकान बनता है पिलर पर एक मकान अगर कमजोर होता है तो एक पिलर कमजोर होता है तो मकान कमजोर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ये मिशन है कि धीरे धीरे देश को संविधान को कमजोर करने की जो सपना बापू जी ने और अम्बेडकर जी ने देखा था उसको समाप्त करके जो नाथुराम गोडसे ने सपना देखा था उसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। आज एक पिलर को कमजोर करने का प्रयास किया जा गया है, फिर दूसरे पिलर कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि यही पिन की लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये पारी पारा कई पिलरों को खत्म करने का कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं और नाथुराम गोडसे के विचार को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये संविधान को बचाने के लिए देश को बचाने के लिए हम सब गांधी जी के सामने शपथ लेते हैं। जो सपना आपने देखा था आजादी दीवारों देखा था और भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को रक्षा के लिए आखिरी दम तो लड़ेंगे। जय हिंद जय समाजवाद।